क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ वायर हैज अ मास ऑफ 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, रेडियस इज 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर एंड लेंथ ऑफ 6 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर. सवाल है द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी विल बी, और अपनी जेई स्क्रीनिंग का सवाल है. ठीक है, सो सवाल सिंपल है. सो से फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए अपनी सिलेंड्रिकल वायर है जिसका लेंथ L है, रेडियस इसका R है. सो इसका जो डेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. जो है वॉल्यूम को, क्योंकि आपके सिलेंड्रिकल वायर है, उसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एल. अगर यहाँ पे हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे, सो डेंसिटी में जो परसेंटेज एरर रहेगी उसको आप लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस ट्वाइस डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल मल्टीप्लाइड बाय 100. ये आपकी परसेंटेज एरर हो जाएगी. अब ये डिनोमिनेटर में थे पर हम मैक्सिमम एरर इसके जानना चाहते हैं, तो दिस इज हाउ इट विल बी. डिटेल इसकी हमने जब हमने एरर की थ्योरी पढ़ी थी वहाँ पे कवर की हुई है. राइट, सो अपनी जो परसेंटेज एरर है मैक्सिमम जो पॉसिबल है, राइट, सो दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम. और मास में देखेंगे हम, सो मास अपने को दिया हुआ है, उस पर जो एरर पॉसिबल है वो है 0.003 डिवाइडेड बाय 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस ये हो जाएगा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आर बाय आर, रेडियस है 0.005 डिवाइडेड बाय रेडियस, उसकी वैल्यू है आपकी 5, अच्छा ये मिलीमीटर में है, मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल. तो डेल्टा एल देखेंगे तो ये अपने को दिया हुआ है 0.06 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ इस केस में ये अगर अपना मास देखेंगे तो यहाँ जो मास है ये हमने ग्राम में लिया हुआ है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, लेकिन क्योंकि ये रेशो हैं सो इसमें यूनिट जब तक सेम वो है और रेशो है तब तक इसमें अपने को यूनिट की ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है. दोनों ही सेम यूनिट में, मिलीमीटर मिलीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम ग्राम, सो डोंट वरी अबाउट यूनिट सो मच. चलें, सो अपने जो परसेंटेज एरर है वो आ जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 100 से 0.3 हो जाएगा, सो ये 1% प्लस 1% प्लस ये 2 की वजह से 0.15 ऑल इन, दिस विल बी इक्वल टू 2% प्लस दिस विल बी इक्वल टू 0 लगा के 6, सो दिस विल बी 1%. सो अपनी परसेंटेज एरर जो है वो अपनी टोटल 4% एरर पॉसिबल है. सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 4% वुड बी द राइट आंसर.